दोस्तों मैं फिर आ चुका हूँ एक धमाकेदार वीडियो आप सबके लिए लेकर। आपने अभी देखा होगा मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम की तरह जो सर्किल में स्टोरी अपलोड होती है व्हाट्सअप में कैसे अपलोड करनी है। दोस्तों वो जो व्हाट्सअप था उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स देना चाहता था और उसके फुल डिटेल्स और उसके फीचर्स जो थे वो आपको मैं फुल देना चाहता था। दोस्तों सबसे पहली बात तो जब पब्लिक इसको डाउनलोड करती है तो सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि क्या ये ऐप सेफ है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सेफ एप्लीकेशन है, बल्कि जो नॉर्मल व्हाट्सएप है उससे ज़्यादा इसमें सेफ्टी है आप लोगों की। और ये जो ऐप है ये ऐसा मत समझना है कोई थर्ड पार्टी ऐप है, इसको वही ऐप संभालती है, बस ये थोड़ा मॉडिफाइड ऐप है जो कि फाउड मोड वेबसाइट ने इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया हुआ है, लेकिन ये है वही ऐप। अगर आप इसको इंस्टॉल करने के बाद प्ले स्टोर में अपना जाकर देखोगे तो आपको ऑलरेडी वही ऐप इंस्टॉल हुआ हुआ दिखाएगा, आपके जो अपडेट्स होंगे वो सारे प्ले स्टोर में ही आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि ये आपको डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए मैं आपको एक ऊपर बेल आइकन में और एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर मेरी रिसेंटली वीडियो देख सकते हैं कि आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको इसके सारे इस वीडियो में आपको सारे एक तो इसके फीचर्स जो हैं ऑल फीचर्स का क्या क्या यूज़ है, क्या क्या इसकी पूरी डिटेल से क्या क्या इसकी जानकारी है सारी चीज़ें आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि मैं इसके सारे फीचर्स आपके सामने डिफाइन करूँगा, इसलिए मैं ये चाहता हूँ आप वीडियो एंड तक देखें क्योंकि ये फोर्ड व्हाट्सअप एप्लीकेशन जो है बहुत ही शानदार है, मुझे नॉर्मल व्हाट्सअप से बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और आप वीडियो एंड तक ही देखें क्योंकि आप अगर बीच में छोड़ दोगे तो आप फिर मुझे ही कमेंट करके बोलोगे भाई यार इसका फंक्शन का यूज़ किया था, आप इसके लिए वीडियो बना दीजिए। दोस्तों इसलिए सारे वीडियो के सारे फंक्शन सारे व्हाट्सएप के सारे फंक्शन मैं इसमें ही आपको बताने वाला हूँ, सारे फीचर्स उसके और सारे क्या क्या उसके अंदर है। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ मैं, अब सीधे अपने व्हाट्सएप की तरफ चलता हूँ। व्हाट्सएप पर जाने के बाद मैं आपको बताऊँगा इसके जो टोटल फीचर्स हैं वो आखिर हैं क्या क्या। सबसे पहले जो हमारी ये होम स्क्रीन है आप ये देख रहे होंगे इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि ऊपर आपको दिख रहा होगा, एयरप्लेन मोड का है, नाइट मोड का है और ये जो चैट्स ग्रुप्स का एक ऑप्शन जो है वो नया है। ये ग्रुप का ऑप्शन दोस्तों इसलिए है कि जो भी आपके चैट्स में यहाँ पर ग्रुप्स होते थे चैट्स के अंदर, यहाँ पर ग्रुप्स का एक अलग से ऑप्शन दे दिया गया है जिसमें आपको ग्रुप्स को स्क्रॉल कर कर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं कि इसके और फंक्शंस या और फीचर्स इसके क्या क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इधर जो प्लस का बटन है मैं इसके फंक्शन आपको बता देता हूँ। प्लस पर हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद में पहला ऑप्शन तो आपका यही है जो कि चैट्स का ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपका ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इस पर अभी आपका कुछ करने से इसको नहीं होगा। फिर तीसरा ऑप्शन आता है हमारा फाइल का, ये जो फाइल बनी हुई है दोस्तों ये बहुत काम की चीज़ है, आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपकी कुछ इस तरीके से सर्चिंग होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ ये सर्चिंग होती क्यों है या इस सर्चिंग का क्या यूज़ है। अभी एक मिनट जरूर दोस्तों, एक मिनट ज़रा कुछ देरी लग रही है, कुछ कमी है शायद इसमें। दोस्तों फिर भी मैं इसका आपको फंक्शन बता देता हूँ, इसका जो फंक्शन है वो इस तरीके से काम करता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक सर्चिंग स्टार्ट होगी। सर्चिंग स्टार्ट होने के बाद जो जो मतलब इस व्हाट्सएप में किसी ने आपकी जो फ्रेंड लिस्ट में है वो अगर कुछ भी अपने व्हाट्सएप में चेंजेस करता है तो ये शो करा देता है कि दिस पर्सन प्रोफाइल फ़ोटो चेंज या दिस पर्सन प्रोफाइल नेम चेंज, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर शो कर देता है। फिलहाल ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है लेकिन इसका मुझे पता नहीं। लेकिन उससे नीचे ऑप्शन है आपका ये है, ये थोड़ा थ्री डॉट्स में जाने का ऑप्शन है जो कि आप ऊपर से भी जा सकते हैं, सिंपली यहाँ पर ऊपर ऑप्शन होगा थ्री डॉट्स का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका सबसे पहला ऑप्शन आता है FM मोड्स, इसके अंदर आपको चले जाना है। इसके अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको फॉर व्हाट्सअप करके एक ऑप्शन होगा, इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो इसका यूज़ दोस्तों ये होता है जैसा आप इसको, अगर आपको इस व्हाट्सअप के फीचर अच्छे लगे तो आप इसको किसी भी चीज़ में बिटकॉइन में या पेपल के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा आप इसको थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा अपनी मर्जी से कुछ दान टाइप कर सकते हैं कि आप इसको कुछ देना चाहते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, तो दोस्तों प्राइवेसी और सिक्योरिटी के अंदर हम आपको और सारे फंक्शन दिखा देते हैं क्या क्या हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर फ्रीज लास्ट स्क्रीन, अगर आप इसको यहाँ पर कर दोगे तो जैसे आप ऑनलाइन थे तो आपका वही जो है जैसे आप कल ऑनलाइन थे मान लीजिए और आपने वहीं फ्रीज लास्ट स्क्रीन इसको यहाँ पर ओके कर दिया, तो आप अगर आज भी ऑनलाइन होकर वापस चले जाते हैं तो आपको जो पब्लिक देखेगी वो आपको कल का ही सीन दिखाएगा जो ये व्हाट्सअप होगा, तो इसका फ़ायदा ये है। इसको फ़िलहाल हम बंद कर देते हैं। दूसरा डिसेबल फॉरवर्डेड, इसका फ़िलहाल कोई यूज़ मुझे तो समझ में आया नहीं है कि भाई इसका यूज़ क्या है। उससे नीचे आ जाते हैं हम हु कैन कॉल मी, आपको कौन कौन कॉल करवाना चाहते हो आप अपने आप को, एवरीवन या माई कॉन्टैक्ट या जो आपके सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट है या नबडी, आप किसी को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं।
फिर उसके बाद में कस्टम प्राइवेसी, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसका वर्क, ये भी इसलिए इसमें भी कुछ फंक्शंस अभी फिलहाल नहीं है। फिर उसके नीचे आता है स्टेटस का ऑप्शन, हाइड व्यू स्टेटस। आप अगर पहले वाले स्टेटस पर जाएंगे, हाइड व्यू स्टेटस पर अगर आप इसको यहाँ से ओके कर देंगे, तो आप अगर किसी का स्टेटस देख रहे हैं तो आप उसका स्टेटस तो देख लेंगे, पर उसके जो आपके जैसा आप अपना स्टेटस लगाते हो तो आप ये देखना चाहते हो कि मेरा स्टेटस किस किसी ने देखा, तो वो आप उसका स्टेटस तो देख लेंगे पर वो आपको नहीं देख पाएगा कि भाई अगर आपने मेरा स्टेटस देखा तो, कि वो आपको पता नहीं लगा पाएगा आपने उसका स्टेटस देखा या नहीं। उसके नीचे एंटी डिलीट स्टेटस, डिलीटेड स्टेटस स्टोरीज विल नॉट बी डिलीटेड फॉर यू। दोस्तों ये बहुत काम की चीज़ है, अगर कोई बंदा अपना स्टेटस लगाने के बाद तुरंत या उसके दो चार मिनट बाद भी या कभी भी उसको डिलीट कर देता है, तो वो अगर आपका ये ऑप्शन ऑन है तो वो आपके व्हाट्सअप से डिलीट नहीं होगा, आपको वो उसका स्टेटस शो होता रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे। और एंटी डिलीट मैसेजेस, अगर कोई भी बंदा अपने मैसेजेस अपनी तरफ से बिल्कुल क्लियर कर देता है तो भी आपके पास भी मैसेजेस होंगे अगर आपका ये वाला फंक्शन ऑन होगा। फिर आता है शो ब्लू टिक्स आफ्टर रिप्लाई। अगर आप ये करना चाहते हो कि भाई जैसे मैंने किसी को मैसेज भेज दिया और या किसी ने मुझे मैसेज भेज दिया मान लीजिए, और उसका मैंने मैसेज सीन कर लिया, तो उसको पता ना चले कि आपने उसका मैसेज देख लिया, आपका ब्लू टिक उसके पास शो नहीं होगा। उससे नीचे आ जाते हैं हम अपनी कॉन्टैक्ट्स सेटिंग पर। यहाँ पर आपको लगा देना है कि आप किसको ब्लू टिक दिखाना नहीं चाहते, किसको सेकंड टिक तक दिखाना चाहते हो, या किसी को हाइड टाइपिंग दिखाना चाहते हो। जैसे आप टाइपिंग करते हो आपका टाइपिंग लिखा हुआ आ जाता है, आप इस तरीके से यहाँ पर मल्टी फंक्शंस का ऑप्शन है, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। उसके नीचे आपको ऐसे इसी तरह ग्रुप्स में ऑप्शन दिए गए हैं, इसी तरह ब्रॉडकास्ट में ऑप्शन दिए गए हैं। उससे नीचे हम एक चीज़ और दी गई है जो कि इसमें व्हाट्सअप लॉक है, इसको आप इनेबल अगर करेंगे तो आपकी अगर मर्जी है तो फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं, पैटर्न भी और पिन भी। यहाँ से सारे व्हाट्सअप के फंक्शन हैं, आप इस पर कुछ भी अपना पासवर्ड या पिन जो भी लगाना चाहते हैं वो यहाँ से लगा सकते हैं। अब हम इसके दूसरे ऑप्शन पर चलते हैं। प्राइवेसी के बाद आपका आता है FM थीम्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड योर थीम्स का पहला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको चले जाना है। इस पर जाने के बाद आपको यहाँ बहुत सारी थीम्स मिलेंगी, आपको इसमें से जोन सी भी पसंद हो आपको वो डाउनलोड कर लेनी है। आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये वाली थीम डाउनलोड करी, इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ, इसको ओके। ये यहाँ पर हमारी डाउनलोडिंग चल रही है, ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है थीम। तो ये हमारा व्हाट्सअप कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये अलग अलग थीम इसी तरीके से दी हुई हैं कि आप किस तरीके से इसमें क्या करना चाहते हो। तो अब हम इसको थीम्स को हटा देते हैं, आपको हटाने के लिए वापस वहीं जाना होगा, सबसे नीचे यहाँ पर ऑप्शन होगा डिलीट ऑल सेव्ड एंड इंस्टॉल थीम्स, इस पर आपको चले जाना है, इस पर यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद अगर आप बैक आके मैं दिखाऊँ तो आपका व्हाट्सअप वापस ऐसे ही हो जाएगा, एक मिनट, आपका व्हाट्सअप वापस वैसे ही हो जाएगा। ये इस तरीके से आपका व्हाट्सअप हो गया। अब हम जहाँ थे आपको मैं उससे कंटिन्यू दिखाता हूँ। इसके नीचे ऑप्शन है यूनिवर्सल, इस पर आपको चले जाना है। इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर ही बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला ऑप्शन है कलर्स का, कलर्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जो ये यूनिवर्सल कलर, यूनिवर्सल एक्शन बार, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड, लिस्ट बैकग्राउंड, स्टेटस बार, नेविगेशन, मैं आपको ये कलर चेंज करके दिखाता हूँ क्या चीज़ क्या है। यूनिवर्सल कलर पर अगर हम जाएंगे तो हम इसको यहाँ पर कलर ब्लैक डॉट पर क्लिक करके आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, आपको सॉलिड कलर चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, हम सॉलिड कलर पर क्लिक कर देते हैं। सॉलिड पर कलर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस चीज़ का आपको यूनिवर्सल कलर चाहिए। यहाँ पर हमने रेड ले लिया, इसको न्यू कलर पर जाएंगे। और अगर हम बैक आते हैं तो बैक आने के बाद हमारा जो ऊपर का ये लाइन है ये हमारा कलर उसी तरीके से चेंज हो जाएगा, इसमें आप कोई सा भी कलर अपना ले सकते हैं। अब हम आपको दूसरा ऑप्शन दिखाते हैं, कलर में जाकर हम इसको अगर हटाना चाहते हैं तो वापस इसी पर ही जाना है। इस पर जाने के बाद सॉलिड कलर और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन होगा बीच में, इस पर क्लिक कर देना है, ये आपका वैसे ही हो जाएगा। ऐसी और तरीके से ऑप्शन है आपकी होम स्क्रीन के लिए जहाँ जहाँ का आपका कलर चेंज करना चाहते हैं। अब बैक आकर स्टाइल्स पर चले जाते हैं, स्टाइल्स लुक एंड फील, इस पर अगर आप टैप करेंगे तो आपको यहाँ से पूछा जाएगा इमोजी जो वेरिएंट होती है, जैसे आप अपनी इमोजी भेजते हैं जो आपकी स्माइलीज होती हैं, हंसने वाली, रोने वाली, आपको नॉर्मल व्हाट्सअप की चाहिए या फेसबुक की चाहिए, एंड्रॉयड की चाहिए, आप किसी भी तरीके की यहाँ पर इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर कर जहाँ पर ग्रीन एरो बन रहे हैं उसी के तरीके की आपकी इमोजी यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल, जैसे आपका यहाँ पर मेरा डिफ़ॉल्ट है, अगर मैं इसको यहाँ पर ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ये ले लिया, अब अगर मैं अपना बैक आकर फॉन्ट देखूँगा
तो मेरा फ़ॉन्ट यहाँ पर चेंज हुआ मिलेगा। ये देखा आप दोस्तों, यहाँ पर मेरा फ़ॉन्ट ये चेंज हो चुका है। हम वापस जाकर इसको डिफ़ॉल्ट पर चले जाते हैं, यूनिवर्सल स्टाइल्स एंड लुक एंड सिंपली यहाँ पर, और सिंपली डिफ़ॉल्ट ये हमारा हो चुका है। अब अगर हम बैक आते हैं तो हमारा फ़ॉन्ट यहाँ पर चेंज हो चुके हैं दोस्तों। अब इसमें हम आगे चलते हैं यूनिवर्सल पर जाकर, उसके बाद स्टाइल्स लुक पर आपको लॉन्चर आइकन्स जो होते हैं, जैसा आपका ये वाला सबसे फर्स्ट वाला जो आइकन है, ऐसा आइकन आपके मोबाइल में शो होता है। आप इसमें से कोई सा भी अपना आइकन लगा सकते हैं, जो आपकी जो वॉलपेपर स्क्रीन के ऊपर ये ऐप का आइकन होता है ये आपका चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला आइकन लगा दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम अगर अपनी होम स्क्रीन पर जाएंगे मोबाइल की, तो हमारा व्हाट्सएप कुछ इस तरीके से यहाँ पर शो हो जाएगा। ये रहा दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप है, इसको हमने यहाँ लाकर रख दिया। तो ये हमारा व्हाट्सएप इस तरीके से रंग में आइकन में चेंज हो जाएगा। अब सिंपली हम इसको यहाँ से क्लिक करके अब दोबारा इसका आइकन चेंज कर देते हैं, जो कि नॉर्मल आइकन है। अब हम इसके अंदर जाएंगे और यहाँ से इसको लॉन्चर आइकन्स पर जाकर सिंपल फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में चेंज नोटिफिकेशन आइकन, जो आपकी ऊपर की साइड यहाँ पर नोटिफिकेशन आती है, उसमें आपको किस रंग का आइकन इसका चाहिए, यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमें कोई सा नहीं चाहिए, हम बैक आकर वापस जाते हैं। अब हमारे आते हैं हाइड मीडिया फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन। इस पर क्लिक करने के बाद, जैसा आपके किसी दोस्त ने वीडियो या फोटोज़ कुछ भी भेजा हुआ है और आप उसको गैलरी में शो नहीं कराना चाहते, तो यहाँ से उसको इनेबल कर दीजिए। क्या फ़ोटोज़ नहीं दिखाना चाहते तो आपने फ़ोटोज़ इनेबल कर दिए। लेकिन उसके बाद में एक चीज़ हो रहा है, आपको अपना फ़ोन रिस्टार्ट करना होगा, वो जब भी गैलरी से हाइड हो सकते हैं। अगर आप रिस्टार्ट नहीं करेंगे तो वो शो ज़रूर होंगे। एक बार अपना इस पर ओके करके अपना फ़ोन को रिस्टार्ट कर लें तो वो आपके वहाँ से हाइड हो जाएंगे, सिर्फ आपके व्हाट्सअप गैलरी में ही रहेंगे। उसके बाद है बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन। इस पर जाकर आपको सिंपली जैसे व्हाट्सअप की चैट्स या डाटा कुछ भी बैकअप करना है तो आपको बैकअप यहाँ से मिल जाएगा। अब हम जाते हैं सेटिंग्स के ऑप्शन पर। सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको ऐप के लैंग्वेज, कन्वर्सेशन कार्ड्स या डिसेबल, ये सारे वही नॉर्मल फंक्शन हैं जो कि व्हाट्सएप में अधिकतर होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और है जो कि आपको नॉर्मल व्हाट्सएप में नहीं मिलेगा, जो है टैनर गिफी GIF प्रोवाइडर। अगर आपकी जैसे आप GIF पर जाते हैं तो वो आपकी टेनोर की शो होती है टेनोर, अगर आपको गिफी की चाहिए तो यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं और आपकी गिफी की शो हो जाएंगी। अब फिर यहाँ पर क्लियर व्हाट्सएप लॉक्स का ऑप्शन है, इसके आपके लॉक्स ऑप्शन पर जाकर आपका 0 MB डाटा हो जाएगा। फिर आता है सेंड इमेजेस इन फुल रिजोल्यूशन, आपको कितनी क्वालिटी की इमेज इस पर सेंड करनी है। इस फिलहाल ही हमारी 1 MB, आप देख सकते हैं इसको यहाँ से हम घटा बढ़ा सकते हैं, इस लाइन से सिंपली इसको घटा बढ़ा सकते हैं ऐसे करके, और सारे फंक्शन इसके वही हैं अधिकतर। अब हम इसको बैक आ जाते हैं, उसके बाद में हम जाते हैं होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर जाने के बाद आपका सबसे पहला ऑप्शन होगा हेडर, इस पर चले जाने के बाद आपको सबसे पहले ऑप्शन दिखेगा होम UI स्टाइल। इस पर अगर आप जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपको किस टाइप का स्टाइल चाहिए, जो आपकी होम UI होती है। जैसे हमने व्हाट्सअप UI स्टॉक पर है, अगर हम इसको 1 UI पर कर देंगे तो आपका कुछ इस तरीके से व्हाट्सअप शो होगा। इसके अलग अलग थीम्स हैं दोस्तों, इसलिए हम इसको नॉर्मल कर देते हैं, वो आपकी इच्छा है आप इसको कैसा रखना चाहते हैं। और जो आपका स्टोरेज स्टाइल है, स्टोरेज स्टाइल को हम बाद में समझाएंगे, पहले इससे जो नीचे ऑप्शन है इनेबल इंस्टाग्राम लाइक स्टोरी, इसको आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इससे आपका फ़र्क पड़ने वाला है। इसको इनेबल करने के बाद आपकी जो स्टोरीज़ हैं वो इस तरीके से शो हो जाएंगी इंस्टाग्राम की तरह। इसके लिए मैंने एक और वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये आपको कैसे लगानी है। उसके बाद हम वापस वहीं जाकर हीटर के ऑप्शन पर, अब मैं आपको बताता हूँ स्टोरीज स्टाइल का क्या यूज़ है। इस पर हम जब क्लिक करेंगे, फिलहाल ये स्टॉक के ऑप्शन पर है, इसको अगर हम नीचे कर देंगे RC फेसबुक या किसी भी ऑप्शन पर कर देंगे, फिलहाल हम फेसबुक पर करके दिखाते हैं, तो इस तरीके जैसे फेसबुक की स्टोरी शो होती हैं, इस टाइप में आपकी स्टोरी शो हो जाएंगी। आप इसको किसी कोई सा भी लुक दे सकते हैं सिंपली, तो आप इसको यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। अब हम इसके और ऑप्शंस आपको दिखाते हैं, और ऑप्शंस ये हैं, जैसे आप सेट अपना सेट माई नेम का ऑप्शन है यहाँ पर, अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो आपका जहाँ ऊपर की साइड ये व्हाट्सअप लिखा है लेफ्ट साइड में, आपका इसकी जगह आपका नेम शो हो जाएगा, सक्षम जाएगी। देखिए आपका स्टेटस भी शो हो गया और आपका नेम भी शो हो गया। इसके नीचे डिजेबल स्टेटस अंडर माई नेम, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो जो ऊपर स्टेटस दिख रहा होगा मेरे नाम के नीचे, ये भी हाइड
हो जाएगा, ये सिंपली आपका हाइड हो गया, सिर्फ नेम नेम बचा। तो फिलहाल हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए, हम इसको ऑफ कर देते हैं। शो लाइट एंड नाइट मोड, अगर आप इसको ऊपर की साइड देख रहे होंगे राइट साइड में एक मून का ऑप्शन होगा, अगर आप इसको बंद कर देंगे तो ये ऑप्शन हाइड हो जाएगा, ये नाइट मोड का ऑप्शन होता है, इसको हम फिलहाल नहीं हटाते हैं। फिर एक ऑप्शन होगा उसी के लेफ्ट साइड में एयरप्लेन मोड का ऑप्शन, शो एयरप्लेन मोड का फिलहाल हमारा ये ऑन है, इसको अगर हम बंद कर देंगे तो हमारी होम स्क्रीन पर ये चला जाएगा। अब है डिजिबल क्लिकिंग ऑन व्हाट्सअप, क्लिकिंग ऑन व्हाट्सअप इन हीडर विल नॉट ओपन हिडन चैट्स, फिलहाल इसका कोई यूज़ नहीं है दोस्तों। टैब्स बैकग्राउंड कलर, जो आपका ये बैकग्राउंड का टैब्स का कलर है इसको मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर ग्रीन कलर के सर्किल पर यहाँ टैप करा, उसके बाद आपको सॉलिड कलर में चले जाना है और यहाँ से अपना कोई सा भी कलर चूज़ कर लेना है। यहाँ पर हम ब्लू चूज़ कर लेते हैं। इसको करने के बाद आपका जो ये चैट्स का हेडर का कलर है ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। हम इसको फिलहाल डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। डिफ़ॉल्ट करने के बाद आपका ये नॉर्मली हो जाएगा। ऐसे ही आप इनके पेज टाइटल, कलर, टेक्स्ट और इसी तरीके से और भी सब चीज़ों के आपके कलर यहाँ चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैं इसलिए सब चीज़ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं सब चीज़ आपको बताने लगा। लेकिन यहाँ जो भी है, यहाँ पर होम स्क्रीन का ऑप्शन है तो फिलहाल होम स्क्रीन के ऑप्शन के ही सारे कलर चेंज होंगे। अब हम चलते हैं इसके दूसरे ऑप्शन पर, ये हीटर था। अब हम चलते हैं रोज पर। रोज पर जाने के बाद हम होम स्टाइल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। होम स्टाइल का ऑप्शन हमें फिलहाल स्टॉक पर है तो हम इसको अगर यहाँ पर योवा पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो ये हमारा ऑप्शन चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो ऊपर टेस्टिंग नेम है, आप ये वाला चेंज होते हुए देखेंगे। अभी हम दोबारा किसी और चीज़ में करते हैं, टेलीग्राम में हम कर देते हैं तो हमारा ये वाला चेंज हो गया। आप सिंपली इसको चेंज कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको स्टॉक पर रखते हैं। होम स्टाइल हमारा हो गया। स्वाइप रो, अलाउ यू स्वाइप एनी कन्वर्सेशन लो, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो जैसा आप किसी से भी चैट कर रहे हैं तो अगर आप राइट में या लेफ्ट में स्वाइप करेंगे तो आप अपनी सारे होम ऑप्शन पर आ जाएंगे। इसको हम फिलहाल बंद कर देते हैं। मेन कॉल्स कॉन्टैक्ट स्क्रीन टेक्स्ट साइज, आप इससे अपने किसी भी कॉन्टैक्ट का या किसी भी चीज़ का फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट कलर पर हम आ जाते हैं। आपका टेक्स्ट कलर आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों कलर वाले ऑप्शन मैं आपको बहुत बता चुका हूँ इसलिए मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट का कलर आप कोई भी नहीं बताऊँ, क्योंकि आप सिंपली इसको पढ़कर भी यार, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी तो आप समझ सकते हैं मैं कि आप क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको जिस चीज़ का भी यहाँ पर कलर चेंज करना है। आपका डिजेबल कॉन्टैक्ट ऑनलाइन लास्ट सीन, यहाँ पर अगर आप इसको कर देंगे तो आपका जो स्टेटस है वो होम स्क्रीन पर डिजेबल हो जाएगा, ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों। इसको फिलहाल यहाँ पर हम नहीं करते हैं, ये ऑनलाइन शो भी कराता है, ये ऑनलाइन शो भी कराना बंद कर देगा। डिजेबल ऑनलाइन डॉट, अगर आप इसको ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो आपका ये ऊपर डॉट आ रहा है ये हमारा हाइड हो जाता है, ये सिंपली यहाँ से हाइड हो जाएगा। फिर हम इलेप्स टाइम, ये ऑप्शन फिलहाल मुझे समझ में नहीं आया लेकिन जैसे आता है मैं इसके ऊपर भी आपकी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम जाते हैं दूसरे ऑप्शन पर, फ्लोटिंग एक्शन बटन, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये जो आपका प्लस का ऑप्शन होता है इसमें भी आपके शुरू में दो ऑप्शन है, ये भी कलर के ऑप्शन दिए गए हैं और जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, जो आपको शॉर्टकट से ऐड करने हैं वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये सिंपली आपका शॉर्टकट ऐड करने का ऑप्शन है। अब हम चलते हैं बैक, बैक जाकर स्टेटस का ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा होगा। स्टेटस पर हम जाएंगे। स्टेटस पर जाने के बाद आपको रिसेंट अपडेट्स बार, यहाँ पर सारी चीज़ों का आपको कलर चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अब इसके नीचे ऑप्शन होगा चेंज फोटो प्रोफाइल, ये स्टेटस। चेंज डिस्प्ले इन स्टोरीज फ्रॉम प्रोफाइल पिक्चर टू स्टेटस प्रीव्यू, अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो दोस्तों जैसे इंस्टाग्राम में आपकी सर्कल के अंदर से प्रोफाइल फोटो शो होता है, प्रोफाइल फोटो की जगह आपका जो बंदे का स्टेटस पर फोटो होगा या स्टेटस पर जो भी चीज़ होगी उसका फोटो आपको दिखेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे हमारा डिसेबल था हमने इसको इनेबल किया और हम वापस जाते हैं तो जो जो पब्लिक ने स्टेटस लगा रखे हैं वो शो हो रहे हैं, ना कि उनकी प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही है। अब हम चलते हैं दोस्तों वापस उसी के अंदर, होम स्क्रीन पर जाकर आपको स्टेटस पर जाना है। स्टेटस पर जाने के बाद आपको यहाँ से इसको डिसेबल कर देना है। 5 मिनट स्टेटस, आप दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें ये भी एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, आप अपना 5 मिनट का स्टेटस भी यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, इस पर कुछ कंडीशंस हैं। अलाउज यू पुट ए 5 मिनट वीडियो इंस्टेड ऑफ 30 सेकेंड्स एंड एज ए स्टेटस। नोट, नोट मेन बात है, ओनली योवा यूजर्स कैन सी फुल स्टेटस, अदर यूजर्स विल सी 30 सेकेंड ओनली। जो योवा यूजर्स हैं जिनके पास ये व्हाट्सअप है और उन्होंने योवा अपना जो टेस्टिंग का वो है पेज उसको योवा में कन्वर्ट कर रखा है, वही सिर्फ आपका 5 मिनट तक का फुल स्टेटस देख सकते हैं, वरना जो अदर प्रोवाइडर हैं वे सिर्फ 30 सेकेंड ही आपको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। उसके नीचे एक ऑप्शन होगा म्यूटेड अपडेट, जो आपके म्यूटेड अपडेट्स हैं वो यहाँ पर हाइड हो जाएंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन है व्यूड अपडेट्स,
हाइड व्यूड अपडेट्स, यहाँ पर ये सारे ऑप्शन जो है ये आपके टेक्स्ट और मैसेज से रिलेटेड हैं दोस्तों, ये आप खुद भी एक बार चेक कर लेना, नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। उसके बाद हम जाएंगे फोटो कॉर्नर्स पर, यहाँ पर फोटो कॉर्नर्स आपको सिंपली आपको कितना राउंड चाहिए कितना स्क्वायर चाहिए जो आपका सर्किल में भी आपका शो हो जाएगा, अगर आप इसको फुल रखेंगे और ऐसे रखेंगे तो आपका स्क्वायर में शो होगा, तो हम इसको फिलहाल फुल रखते हैं। हाइड चैट्स ड्राइवर्स, ये रिमूव्स ग्रे लाइन बिटवीन चैट्स इन मेन स्क्रीन, ये आपकी जो ग्रे लाइन शो होती है अदर चैट्स के बीच में, जैसे आपके दो कॉन्टैक्ट्स हैं उसके बीच में एक लाइन शो होती है, उसको यहाँ से अगर आप इनेबल कर देंगे तो वो शो नहीं होगी। और इसके नीचे आप ऑप्शन आ जाते हैं रिंगटोन कॉन्टैक्ट टोस, अगर आप किसी अदर पर किसी भी आपको कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर उस पर अदर लिंक लगाना चाहते हैं, अदर रिंग लगाना चाहते हैं तो आप सिंपली उसको यहाँ से सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। फिर उसके बाद हम जाते हैं अपने और ऑप्शंस की तरफ, अब हम सीधे यहाँ से जाकर कन्वर्सेशन स्क्रीन पर चले जाते हैं, यहाँ पर हम इसको टैप करेंगे, इसके टैप करने के बाद आपको एक्शन बार का ऑप्शन होगा, एक्शन बार का ऑप्शन होने के बाद एक्शन बार पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो ऊपर की ये जो होता है जैसे आप किसी से चैट कर रहे हैं मान लीजिए, उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का ऑप्शन होता है, उसमें उसका नाम होता है, उसमें उसका ऑनलाइन शो होता है और सारे ऑप्शन कॉल वीडियो कॉल का सब उसमें ही होते हैं, तो उसका अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करने के बाद सॉलिड कलर पर जाएं और सिंपली यहाँ से उसका रेड कलर या कोई सा भी कलर ले लें, तो देख रहे हैं आप ऊपर का कलर चेंज हो गया, फिलहाल हम इसको डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। दोस्तों इसके इतने फंक्शन हैं, अगर मैं फुल वीडियो इतनी बना रहा हूँ तो प्लीज़ यार देख तो लो, क्योंकि इसके इतने फंक्शंस हैं कि मैं भी बताता बताता एक बार को थक जाऊँगा, लेकिन इसके फंक्शंस ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए मैं जो आपके मिनिमम फंक्शंस हैं वो आपको इसमें बता देता हूँ, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये जो अदर ऑप्शंस हैं वो आपको मैं फिलहाल इसमें नहीं बता रहा हूँ, जो मेन जो आपके काम के ऑप्शन है वो इसमें मैं बता देता हूँ। हाइड कॉन्टैक्ट प्रोफाइल पिक्चर, आप किसी भी कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल पिक्चर हाइड करना चाहते हैं इसको इनेबल यहाँ से कर दीजिए, आपकी प्रोफाइल पिक्चर हाइड हो जाएगी, सिर्फ आप उसका नाम देख सकते हैं। हाइड कॉन्टैक्ट नेम, आपका कॉन्टैक्ट नेम हाइड करना चाहते हैं चैट करते हो तो आप यहाँ से सिंपली उसको कर सकते हैं। हाइड कॉल बटन करना चाहते हैं कॉल बटन भी कर सकते हैं, सारे ऑप्शन यहाँ पर हाइड के ऑप्शन हैं। उसके बाद हम जाते हैं पब्लिक बबल एंड टिक्स, इस पर जाने के बाद आपको यहाँ पर अपना टिक्स स्टाइल या जो भी आपके मैसेजेस करने का स्टाइल है वो सिंपली यहाँ पर कलर या स्टाइल्स कुछ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर मैसेज का टेक्स्ट और फॉन्ट भी यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अब हम बैक आ जाते हैं, इसको पिक्स पर जाने के बाद चैट कॉन्टैक्ट पिक, अगर आपको अपनी जिससे आप चैट कर रहे हैं उसकी पिक हाइड करानी है तो यहाँ से इनेबल कर दें एवरी मैसेज पर, जैसे आप किसी से चैट करते हैं जैसे मैसेंजर में शो होती है ना कि जिसका मैसेज है उसका एक साइड में सर्किल में उसकी प्रोफाइल पिक शो होती है, अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो वो उसकी मैसेज सामने वाले बंदे की आपको शो हो जाएगी, और आपका नीचे चैट माई पिक अगर आपको अपनी भी शो करानी है तो यहाँ से इसको भी इनेबल कर दें वो भी आपकी हो जाएगी। अब हम चलते हैं दोस्तों कन्वर्सेशन एंट्री स्टाइल के ऑप्शन पर, इस पर जाने के बाद आपको ये जो आप जहाँ से मैसेजेस करने के लिए क्लिक करते हैं ना इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको किस टाइप के मैसेजेस चाहिए, आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है आप किस तरीके के मैसेज करना चाहते हैं, फिलहाल ये योगा स्टाइल पर है, अगर मैं इसको यहाँ पर हैंगआउट्स पर क्लिक करता हूँ तो ऊपर देखा आपने ये सारे टेक्स्ट का ऑप्शन चेंज हो गया, आपको सिंपली यहाँ से टेलीग्राम पर करता हूँ तो ये ऊपर का फिर चेंज हो गया, ऐसे हम किसी भी उसमें कर सकते हैं, फिलहाल मैं अपने डिफ़ॉल्ट में रखता हूँ। उसके बाद आपके यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपको किसी भी इसमें से किसी भी बटन का कलर चेंज करना हो या इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो या टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो आप यहाँ से उसको कर सकते हैं। उसके बाद मोर ऑप्शन पर आप जाएंगे तो यहाँ पर और भी कलर्स के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आपको जिस चीज़ का कलर यहाँ पर चेंज करना है आप उसको पढ़कर आप बड़े आराम से यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए गए हैं कस्टम वॉलपेपर पर कॉन्टैक्ट, अगर आप अलग अलग कॉन्टैक्ट पर अलग अलग वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से इनेबल करके कर सकते हैं, और यहाँ पर प्रोफाइल पिक वॉलपेपर पर चाहिए तो यहाँ पर इसको अनेबल कर सकते हैं, इसको अनेबल करने के बाद यहाँ पर अनेबल कर सकते हैं, जिसका चैट होगी उसी का ही प्रोफाइल फ़ोटो आपके बैकग्राउंड पर आ जाएगा। फिलहाल हम इसको बंद कर देते हैं। हाइड डेट एंड नेम, आप अपनी मैसेजेस की डेट एंड नेम हाइड कराना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर दें, जिससे कि सामने वाले बंदे को आपका पता नहीं चलेगा आपने वो किस डेट को और कितने टाइम और किस नेम से मैसेज भेजा था, वो हाइड हो जाएगा, यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं और हम इसको फिर बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद यहाँ पर जो और ऑप्शंस हैं दोस्तों FMWA विजिट, ये आपके बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन है और आपका कॉन्टैक्ट नेम कलर चेंज करने का ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपना सिर्फ चीज़ें चेंज कर सकते हैं,
जो आपकी ऊपर की साइड में शो होती है सेटिंग पर जाने के बाद, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर अपडेट्स जो होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर आप ये व्हाट्सअप किसी को भी शेयर कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको फॉर व्हाट्सअप के जो सारी सेटिंग्स थी वो मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। उसके बाद में दोस्तों एक सेटिंग्स और होती हैं, जो कि आप किसी की भी चैट्स पर जाएंगे तो यहाँ पर थ्री डॉट्स जो होता है इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपको और ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप वीडियो अच्छी लगे और आपको इन ऑप्शंस के बारे में भी जानना हो तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, जिससे कि मैं इस टॉपिक के ऊपर भी और वीडियोज़ आपके लिए ले आऊँ। क्योंकि अगर मैं इसकी सारी A to Z अगर इसमें चीज़ बताऊँगा तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं भी इतना नहीं बोल पाऊंगा कि भाई ये करो ये, और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसलिए अगर आपको इस ऑप चैट्स के अंदर जाकर भी अगर इस ऑप्शन की भी और डिटेल्स चाहिए तो मैं इसके ऊपर भी आपको बता दूंगा। इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर जो लॉक कन्वर्सेशन का ऑप्शन है सबसे नीचे की साइड, यहाँ पर अगर आप इसको जाएंगे तो आप किसी भी चैट्स पर अपना लॉक लगा सकते हैं, सिर्फ वो उसी पर्सन की चैट पर लॉक लगेगा जिस पर आप लगाना चाहते हैं। दोस्तों यही थी वीडियो, मैंने आपको बहुत कुछ इसमें क्लैरिफाई करने की कोशिश करी कि आप फॉर व्हाट्सअप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और मेरा जितना मुझसे हो सका मैंने उसमें सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और अदर ऐप्स की आपको फुल डिटेल्स वीडियो चाहिए या कुछ भी इसमें चाहिए, आप कुछ भी आपको इसमें अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दें और कमेंट कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें जिससे हमारे तक आपके अपडेट्स पहुंच सकें। और यार कुछ भी समझ में ना आया तो प्लीज़ यार कमेंट कर देना, मैं आपके लिए उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो ले आऊँगा या आपको कमेंट में रिप्लाई करके बता दूंगा आपको कहाँ कहाँ किस सेटिंग में आपको जाना है। धन्यवाद।